फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक सुपरस्टार थलपति विजय के फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। जी हम बात कर रहे हैं इनके करियर की, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड पैन इंडिया फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जो कि फाइनली सिनेमाघर में दस्तक दे चुकी है और ये फिल्म इनके करियर की सेकेंड लास्ट फिल्म होने वाली है। तो अगर आप भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं कि फिल्म अपने पहले दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को मिलाकर कितना कलेक्शन करने वाली है और फिल्म को रिव्यू और रेटिंग कैसे मिली। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली, जिसको कि डायरेक्टर वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनाया गया है, जो कि थलपति विजय के करियर की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसके पीछे का कारण आपको फिल्म को देखने के बाद पता चल जाएगा। जी हां, फिल्म में काफी हेवी वीएफएक्स और एआई का काफी ज्यादा यूज किया गया, जिसके चलते फिल्म का बजट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसने कि फिल्म को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा रोमांचक भी बना दिया है। अगर बात करें फिल्म के रिव्यू के बारे में, तो फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्रिटिक्स ने तो फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है, लेकिन ऑडियंस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दे रही है, जिसके पीछे का कारण है फिल्म की जबरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। जी हाँ, फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसके पीछे का कारण है कि फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं, जिसके चलते ये फिल्म ऑडियंस को बोर होने नहीं देती। वैसे तो फिल्म की ड्यूरेशन लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा की, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है। फिल्म की सबसे दमदार चीज होने वाला है फिल्म का एक्शन। जी हां, थलपति विजय ने काफी दमदार एक्शन करके दिखाया है और जितने भी कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आए हैं। और फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम होने वाला है गांधी, और वैसे तो इनका डबल रोल होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने काफी जबरदस्त एक्टिंग करके दिखाई है और दोनों रोल के साथ काफी ज्यादा जस्टिफाई भी किया है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म की कुछ और दमदार चीजों के बारे में, फिल्म के वीएफएक्स काफी जबरदस्त है, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का लेवल भी काफी ज्यादा हाई रखा गया है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो ये फिल्म एडवांस बुकिंग में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ इंडिया से ओपन हुई है और फिल्म के लगभग 12,500 से भी ज्यादा शोज मिल चुके हैं। अगर बात करें फिल्म के पहले दिन के टोटल टिकट सेल्स के बारे में, तो ये फिल्म एडवांस बुकिंग में लगभग 12 लाख से ज्यादा टिकट सेल कर चुकी है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों के लिए लगभग 62 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, जो कि 2024 का सबसे बड़े रिकॉर्डों में से एक है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली। जी अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 100 करोड़ की कमाई इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को मिलाकर करने वाली है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कम से कम 700 करोड़ तक की कमाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से करने वाली है। तो अगर आप सभी ने ये फिल्म देख ली, तो आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप सभी को बता दें कि ये फिल्म इमोशंस के साथ साथ एक्शन में भी अपना जलवा दिखा रही है। ये फिल्म इमोशंस और एक्शन इन दोनों मामलों में नंबर 1 है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।